माननीय प्रधानमंत्री जी, 2022 तक 175 गीगावाट की लक्ष्य रखा था। हमने 125 गीगावाट के लक्ष्य में पूरा कर पाई और आने वाला 2022 तक और 25 गीगावाट पूरा कर पाएंगे, यानी 175 के एम्बिशियस टारगेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हमने पूरा कर पाया और 2030 तक 500 गीगावाट की जो वापस के अंदर चुका है, तो उस दिशा के अंदर सोलार हो, हाइड्रोजन के लेकर के, हाइड्रो के लेकर के और अदर नॉन फॉसिल फ्यूल्स के एनर्जी का लेकर के हमारा लक्ष्य है। और निश्चित रूप से आज विश्व भारत की ओर देख रहा है और विश्वास के साथ देख रहा है कि भारत 2030 के अंदर 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल एनर्जी का लक्ष्य पूरा करेगा। सर, हाइड्रोजन मोबिलिटी, ग्रीन मोबिलिटी में हम बहुत, हिंदुस्तान बहुत एक्टिव नहीं हो पा रहा है या वो पॉलिसी आने के बाद भी वो चल नहीं पा रहा है, क्या उसमें टीडिंग प्रॉब्लम्स? हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं और अभी भारत सरकार के साथ में जितने भी भारतीय हैं, जो साइंटिस्ट होगा और सारे इन्वेस्टर्स होंगे, उन सभी को साथ लेकर के उस दिशा में अभी कदम उठा रहे हैं और भारत सरकार, हमारा मंत्रालय अभी उसका एक पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, तो उसी के बाद ही ये सारी चीज़ें थोड़ा सा गति दे। हाइड्रोजन परचेज ऑब्लिगेशन कब से होगा, जो रिफाइनरी और फर्टिलाइजर के लिए बोला था कि वो कब से शुरू कर रहे हैं? उत्पादन अब जैसे जैसे होगा उसका डिमांड भी उसको करना पड़ेगा, कुछ तो प्लान होगा सर 2023-24 अभी ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आने के बाद ये सारी चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। Congratulations, Dr. Rajesh Agarwal. Thank you, sir.